जनपद की तीनों नदियां राप्ती, घाघरा और रोहिन के जल स्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसके कारण आसपास के गांवों में पानी पहुंच गया है और लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि पूरे जनपद में कुल 76 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। राप्ती का जल स्तर बढ़ रहा था लेकिन अभी स्थित है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य चल रहा है। उन्होंने बताया कि जनपद में कुल 86 बाढ़ चौकियां हैं, जिनमें 12 एक्टिव चौकियां हैं और वर्तमान में 43 नावें लगाई गई हैं। इसके अलावा और भी नाव उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि कहीं भी जनधन हानि की सूचना नहीं है, स्थिति पूरी तरह सामान्य है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, जो जनपद में कुल 76 गांव हैं जो प्रभावित हैं। राप्ती का जल स्तर बढ़ रहा था परंतु अभी कोई ऐसी समस्या नहीं है। जनपद में 76 गांव हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं, सभी जगह राहत कार्य चल रहा है और यथा आवश्यकता राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। सर कितने नाव चौकियाँ? हमारे यहाँ 86 चौकियाँ हैं, बाढ़ चौकियाँ जो एक्टिव हैं और वर्तमान में 43 नावें लगाई गई हैं विभिन्न जगहों पे, जहाँ पे भी और आवश्यकता हो रही है नावें उपलब्ध कराई जा रही हैं।